टायर व्यवसायी गोपाल श्रीवास्तव हत्या के विरोध में रांची टायर डीलर एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय बंद और विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि मामले का जल्द खुलासा हो और हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एसोसिएशन के द्वारा जोरदार आंदोलन किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शन भी किया जाएगा। दूसरी ओर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची में इन दिनों अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, हत्या और चोरी जैसी घटनाओं के ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ रांची के सारे टायर व्यवसायी यहाँ पर जमा हैं, अन्य क्षेत्रों के व्यवसायी हमारा समर्थन करने के लिए आए हैं, क्योंकि दिन दहाड़े रातों रोड में एक टायर व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है, गोली मारी जाती है, चाकुओं से गोद दिया जाता है, अंततः हथियार वहीं छोड़ करके चलाया जाता है। प्रशासन और सरकार को चैलेंज करने के लिए कि लीजिए हमारा फिंगरप्रिंट इसी में छपा हुआ है, औकात है तो हमें पकड़ करके आप दिखा दीजिए। इसलिए हम लोग आंदोलन करने के लिए खड़ा है, क्योंकि हम लोग विवश हैं। यहाँ पर जितने भी टायर दुकान है सभी टायर दुकान बंद करके उनके आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि भी है और सरकार को आगाह करने के लिए आंदोलन भी है कि किस प्रकार हमारे जो व्यवसायियों को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है, हत्याएं की जा रही है, लगातार हत्या हो रही है, तो इसका कारण क्या है? यहाँ की सरकार की लचर व्यवस्था, अगर जैसा कि हमारे रुबल भैया ने कहा कि हम लोग अगर हथियार का लाइसेंस अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी इस प्रकार हमें देखते हैं कि हम लोगों ने उनसे पता नहीं क्या मांग लिया। पूरा सरस्वती मार्केट बंद है, पूरा यहाँ टायर का दुकान बंद है, केवल और केवल इसलिए कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ना हमको लाइसेंसी हथियार दिया जाता है, ना तो इस क्षेत्र का पेट्रोलिंग बढ़ाया जाता है, ना तो हम लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस कितनी बार हम लोग लिख करके देते प्रशासनिक अधिकारियों को और कितनी भी सरकार को लिख करके देते कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, हमारी जान को खतरा है। अभी देखिए राजस्थान में इतनी बड़ी घटना घटती है, पंजाब पुलिस ने पहले ही बता दिया था राजस्थान पुलिस को कि इनके ऊपर थ्रेट है, लेकिन उनको एक सामाजिक कार्यकर्ता करनी सेना के अध्यक्ष को उनके घर में घुस करके गोली मार दी गई। हमारे बारे में, हमारे व्यवसायियों के बारे में कितनी उनको सूचनाएं मिलती हैं कि सरकारी व्यवस्थाओं को कि हम लोगों को थ्रेट है, हम लोगों को जान का खतरा है, क्योंकि हम लोग हेवी टैक्स पेयर हैं, हम लोग झारखंड के नीम हैं, क्योंकि व्यवसाय के कारण ही कोई भी राज्य का विकास होता है। हम लोग यहाँ के धन का जो स्रोत होता है, व्यवसाय जो होता है, हम लोग उसके आधार हैं, और हम व्यवसाय ही अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता है क्या होगा आप सोच सकते हैं। जिससे आए दिन इस तरह की जो घटनाओं पे लगाम लगे और एक मैसेज जाना चाहिए, जितने भी ये जो क्रिमिनल हैं इनको मैसेज जाना चाहिए कि ये धांधली अब चलेगी नहीं, सरकार को बहुत गंभीरता से इसको लेना पड़ेगा और अगर ये नहीं करते हैं तो जो आज आने वाले इलेक्शन में भी हम लोग चेता देना चाहते हैं, इससे जो सरकार को भारी नुकसान होगा, जहाँ की जनता का विश्वास सरकार से हटने वाला है, और जो आज हमारा जो झारखंड जो प्रगति के रास्ते में चल चुका है उस पे बहुत बड़ा एक विराम लगेगा। हम इतने जन व्यापारी यहाँ इकट्ठा है, डीसी महोदय या एसएसपी महोदय ये बताएं कि लास्ट 5 साल में उन्होंने कितने व्यापारियों को लाइसेंस दिया। मेरे आपसे क्वेश्चन का है, 5 साल ये करते नहीं है प्रोटेक्ट, तो जब सेल्फ आप लाइसेंस मांगते वो मिलता नहीं है, तो मैं उनसे स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन, इसका आंसर हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चाहिए कि आप 5 साल में लास्ट 5 ईयर्स में कितने व्यापारियों को लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस मिला। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मुस्कान की रिपोर्ट।